बीजन पटेल स्थित भाजपा कार्यालय के सामने हम खड़े हैं। हम खड़े हैं तो कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बात होगी। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली से बहुत कम ही बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाए हैं कालखंड में अलग अलग नेता, मगर भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने दिल्ली से बिहार की राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया है। पिछले कुछ दिनों में भाजपा ने अपने बहुमत का फायदा उठाते हुए पहले तो ट्रिपल तलाक, उसके बाद धारा 370 हटाकर कश्मीर और कश्मीरियत को कहीं ना कहीं उनके हिसाब से आज़ाद किया है। अब इस मुद्दे पर बिहार में जंग से छिड़ गई है। जंग आप उम्मीद करते होंगे कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच होगी, मगर यहाँ सत्ता पक्ष की दो पार्टियाँ जदयू और भाजपा आपस में ही जिस तरह से लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं एक बात सामने आ जाता है कि एनडीए में कुछ भी आने वाले समय में तोड़जोड़ हो सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बीरचंद पटेल स्थित हम भाजपा कार्यालय के सामने खड़े हैं। एक बड़ा कहा जा सकता है कि कल दिन था जब कहीं ना कहीं ये खबर आई कि अमित शाह और गृह विभाग बिहार के आईएएस और आईपीएस ऑफिसरों की पूरी लिस्ट डिमांड करता है बिहार सरकार से। ये क्यों डिमांड किया जा रहा है, किस वजह से डिमांड किया जा रहा है, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हालांकि इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पहले जदयू ने भी इसी तरह से डिमांड रखी थी। जदयू ने कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने एक तरह से बिहार में आरएसएस और भाजपा के करीबी संगठनों के आंकड़ों की मांग की थी। इन आंकड़ों में था कि कौन पदाधिकारी हैं, किन पदाधिकारी के तहत वो संगठन चल रहा है, उनका पता कौन सा है, उनका नंबर कौन सा है, और उनसे पहले उस पदाधिकारी के पहले वो कौन सा पदाधिकारी था। अब आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यालय के सामने हम खड़े हैं और अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि क्या हुआ है। तो आपको ज़्यादा उत्सुकता बढ़ाते नहीं हैं, बता देते हैं कि भाजपा के प्रवक्ताओं की क्लास लगने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से इनकी क्लास लगेगी, क्योंकि धारा 370 पर खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। धारा 370 पर भाजपा एक अकेली पार्टी जिसने धारा 370 के लिए खास तौर पर कहा जा सकता है कि सदन में अच्छा खासा प्रयास किया, पास कराने का प्रयास किया और पास हुआ भी, मगर भाजपा के प्रवक्ता लगातार हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, आपने किसी का भी बयान अब तक इस मुद्दे पर सुना नहीं। हालांकि खींचतान खूब हुआ, जदयू ने लगातार इस मुद्दे पर बयान दिया, मगर भाजपा के किसी नेता ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला है। खबर आ रही है कि भाजपा के नेताओं को, खासकर प्रवक्ताओं को, अब बताया जाएगा कि इस मुद्दे पर क्या बोलना है। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया जाएगा, क्लास लगाई जाएगी और उन्हें दिया जाएगा ये मंत्र कि आगे कैसे चलना है, आखिर बिहार में जो गठबंधन है उस गठबंधन को भी धर्म को कैसे निभाना है। और सबसे बड़ी बात, धारा 370 पर जिस मुद्दे पर बिहार की सियासत में कहा जा सकता है कि अब उबाल आ गया है, उस पर बिहार भाजपा के प्रवक्ता कैसे रिएक्ट करेंगे। हम आ चुके हैं भाजपा कार्यालय के अंदर, बहुत जल्दी जाएंगे जहाँ पे मीडिया के बंधु लगातार संपर्क करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक प्रवक्ता, इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर एक सेकंड रुक जाइएगा, दिल्ली से सर कौन सा निज़ाम नया आया है आप लोगों के लिए, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या हो रहा है? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पार्टी का इंटरनल कम्युनिकेशन है। 370 पर आप लोगों को सिखाया जाएगा मंत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। 370 पर इस तरह से कोई भी बातें नहीं, अभी तक आप लोगों ने खुलकर बोला नहीं 370 पर, जबकि हालांकि आप ही के सरकार ने, ये एक नेशनल इशू है और पार्टी के हमारे सारे नेता और प्रवक्ता जी और सारे लोग, आप पार्लियामेंट का डिबेट आपने देखा, सभी ने खुलकर अपनी बात रखी, इस पे कहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। जदयू का जो स्टैंड उसकी वजह से परेशान है? नहीं, उसकी वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तो अप्रिसिएट करते हैं जेडीयू को कि उन्होंने 370 हो, 3 तलाक हो, इस पे बहुत ही प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया। जेडीयू एक समाजवादी रुझान की पार्टी है और उन्होंने अपनी बात सदन में जो रखी, अपनी पार्टी के विचारधारा की बुनियाद पर रखी। लेकिन उन्होंने मुद्दे पर उन्होंने विरोध किया सर, हम ये समझ में लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, एब्सटेन किया जी। और इतना हम लोग को भी समझ में आता है कि विरोध करना जी और समर्थन करना और वहां से एब्सटेन करना, तीनों में अंतर है। उन्होंने एब्सटेन किया, एक तरह से हमारी मदद ही की, इसमें कोई बलियावी जी ने जिस तरह से कह दिया, अब उस पर तो देखिए बलियावी कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है और बलियावी और इन सब लोगों को नोट हम लोग नहीं लेते हैं। देखिए पार्टी का कोई ऑफिशियल
स्पोक्स पर्सन अगर अपनी बात रखता है गंभीरता से, पार्टी के कोई सीनियर लीडर अपनी बात रखते हैं तो वो बात समझ में आती है। नीतीश कुमार जी नेता है, आरसीपी सिंह जी नेता है, और पार्टी के प्रवक्ता जो अपनी बात रख रहे हैं उसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अंदर अभी क्या चल रहा है, किन लोगों के साथ लगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है? वो पार्टी के संगठनात्मक सदस्यता अभियान को लेकर के बातें हैं। सदस्यता अभियान तो सर बाकी दलों का भी चल रहा है, सभी ने बहुत बड़े हाई नंबर्स रखे हैं। देखिए अन्य पार्टियों के बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान को समय समय पर चलाती रहती है। और पिछली बार जो हमारा टारगेट था उससे जितने सदस्य थे उससे हम लोग 25% ज्यादा इस बार टारगेट है, यानी कि 30 लाख और सदस्य पिछली बार की संख्या में हम लोग जोड़ेंगे और हमारा जो 82,000 के आसपास जो सक्रिय सदस्यता थी उसको 1,25,000 ले जाएंगे। यहाँ पे अभी सारे प्रवक्ता आपके मौजूद हैं अंदर? नहीं, सारे प्रवक्ता नहीं है, पार्टी संगठन से जुड़े लोग मौजूद हैं। ये है निखिल कुमार जी बोल रहे हैं साफ तौर पर कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि खबरें लगातार चल रही हैं 370 के मुद्दे पर, आपसी मनमुटाव नहीं है, दोनों पार्टियों में समन्वय बना हुआ है। बलियावी जैसे कई नेता हैं, कई पार्टियों में होते हैं, वो मुखर होकर अपनी बातें रखने का प्रयास करते हैं पर पार्टी एक्शन लेगी उस पर। और जहां तक सदस्यता अभियान की बात है तो आपको बता दें कि बिहार के लगभग सब छोटी बड़ी पार्टियां सदस्यता अभियान कर रही हैं, चाहे वो बीआईपी हो या आरजेडी या फिर जेडीयू, ऐसे ही करके कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इन चुनावों के मद्देनज़र कहीं ना कहीं सियासी समीकरण को देखते हुए पार्टियां जोर तोड़ की सियासत भी शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा जा सकता है शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से बात करना चाह रहा है अपने नेताओं से, कहीं ना कहीं इसमें संशय बना हुआ है। हालांकि प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सदस्यता अभियान को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग है, मगर खबरें जो लगातार मीडिया के सुर्खियों में तैर रही हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा के बीच जो रिश्ते लगातार कहीं ना कहीं खराब होते गए हैं उन पर चर्चा होगी और प्रवक्ताओं को नया स्टैंड मिलेगा। बने न्यूज़ बिहार।